गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो माय डियर स्टूडेंट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो आपकी यूनिट फर्स्ट है क्लास 11 की, आज उसका जो थर्ड चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट प्लांट किंगडम, आज इसकी बात हम लोग करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट, और जब ये सेशन हमारा क्लोज होगा तो मैं एक ही बात सुनना चाहता हूं कि यस, आप सभी बोले कि यस सर, सब कुछ समझ में आ गया है। और इस तरीके की फीलिंग होनी चाहिए, अगर गर्ल्स हैं आप तो बॉयज है तो फिर भी स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नए होंगे और वो बच्चे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशन को भी अटेंड करना चाहते होंगे। माय डियर स्टूडेंट, सिंपल सा प्रोसेस है, करना क्या है आपको, आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है माय डियर स्टूडेंट, वहां पर आपको DNCMI टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करके वहां पर क्लिक करेंगे, हमारा ये ऐप ओपन हो जाएगा, DNCMI एजुकेशन, यस, और नीचे लिखा हुआ है केविन मीडिया। आपको उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड दिया गया है। क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है माय डियर स्टूडेंट तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 7237841191। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो सारी क्वेरीज आपकी यहां पर फिनिश हो जाएंगी। तो चलिए एक सेकेंड रास्ता भी देखते हैं कि किस तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और मेरे लाइव सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारा ये DNCMI एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, पूरे इंडिया से लगभग 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमको ज्वाइन कर चुके हैं। यस, तो अगर आपको करना है क्रैक नीट तो आइए DNCMI को ज्वाइन करिए, और यस बहुत इजी वे में आपका नीट क्रैक होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आपको जैसा कि पता है, मैंने अभी शुरू की फर्स्ट लाइन में ही बताया है कि आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में होता है कि अगर आप अपने ब्रेन को टाइम टू टाइम पॉजिटिव थॉट्स देते रहेंगे, पॉजिटिविटी देते रहेंगे, तो आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको आप टाइमली अचीव भी कर पाएंगे, प्रॉपर उसमें फोकस रहेंगे, और आपको कोई भी डिस्ट्रक्शंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो चलिए आज देखते हैं कि आज का ब्रेन डाइट क्या है। माय डियर स्टूडेंट, आज का ब्रेन डाइट है जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, क्या बोल रहे हैं कि अराइज, उठो, अवेक, जागो एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, और तब तक मत रुको जब तक कि आप लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हैं। यही एक स्टूडेंट्स के लिए एक यही समर्पित वाक्य है उसके लिए, इसको आपको अपने लाइफ में अपनाना चाहिए यदि आपको गोल को अचीव करना है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। और जैसे कि मैंने बोला, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो प्लांट किंगडम्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? प्लांट किंगडम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कि प्लांट किंगडम में क्या क्या चीजें आती हैं। चल तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं पूरे प्लांट किंगडम को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे, यस, आपको पता है जो आरएच विटाकर हैं, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। उसमें जो प्लांटी है, इसमें जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं, यस, उन सभी को शामिल किया जाता है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स सभी प्लांट्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो माय डियर स्टूडेंट, इस किंगडम प्लांटी को सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किंगडम प्लांटी में वो सारे प्लांट्स जिसमें आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलते, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, और दूसरा ग्रुप वो है जिसमें आपको प्लांट में फ्लावर देखने को मिलते हैं, मतलब हम इनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो पूरे प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमिया, और वो प्लांट जिसमें फ्लावर होते हैं उनको बोला जाता है फैनरोगैम। तो सबसे पहले पूरे प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। अब अगर हम बात करें क्रिप्टोगैमी की माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर आपको तीन ग्रुप मिलेंगे। पहला ग्रुप मिलेगा थैलोफाइटा, जिसको हम एल्गी भी बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप है ब्रायोफाइटा, और तीसरा ग्रुप है टेरिडोफाइटा। आप जानते हैं ये जो तीनों ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट के ग्रुप हैं, यहां पर फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट फैनरोगैम्स की, जो फ्लावरिंग प्लांट है,
वो चाहे बात जिम्नोस्पर्म की हो या एंजियोस्पर्म की है, दोनों के दोनों ग्रुप आते हैं फैनरोकैम्प में। तो चलिए बैडो स्टेंट स्टार्ट करते हैं और थोड़े से और डीप में पहुंचते हैं और देखते हैं, अगर हम थैलोफाइटा की बात करें तो यस यहीं से हमें स्टार्टिंग करनी है बैडो स्टेंट, एल्गी से। एल्गी के सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और फिर फाइनली जो क्लास है क्लोरोफाइसी जिसको ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, फियोफाइसी यस जो कि ब्राउन एल्गी है, और रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी है। इन तीनों एल्गी के बारे में भी बहुत डीप स्टडी हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है नीट के सिलेबस में है ये। तो तीनों एल्गी के बारे में हम देखेंगे, ग्रीन ब्राउन और रेड एल्गी के बारे में। तो ये क्या है तीनों, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आती है। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में क्या आते हैं, लीवर बर्ड्स आते हैं और मॉसेस आते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में भी हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। टेरिडोफाइटा में साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, इन चारों के बारे में स्टडी करेंगे। जिम्नोस्पर्म में हम कॉनिफिरोप्सिडा, निटोप्सिडा एंड साइकेडोप्सिडा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलिडी यस एंड मोनोकोटिलिडी, डाइकोटिलिडस और मोनोकोटिलिडस। तो जो हम पूरा प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं माइडियर स्टूडेंट, उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे इसको मैंने यहां पर आपको एक ओवरव्यू दे दिया। देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको एल्गी पढ़नी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सब की स्टडी करनी है। हमें स्टार्ट कहां से करना है माइडियर स्टूडेंट, हमें स्टार्ट करना है एल्गी से। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्गी के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइडियर स्टूडेंट एल्गी को या थैलोफाइटा को। यस, अगर हम बात करें किंगडम प्लांटिंग की, तो चलिए थोड़े से और जनरल पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं माइडियर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट हैं, ऑल द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटिंग, यस एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक। जितने भी प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अर्थात दे मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांटिंग में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हमें स्टडी करनी है, सबसे पहले हमें स्टडी करनी है किंगडम प्लांटिंग में एल्गी के बारे में, फिर हमें बात करनी है ब्रायोफाइटा के बारे में, फिर हमें बात करनी है टेरिडोफाइटा, फिर बात करना है जिम्नोस्पर्म, और लास्टली हमें देखना है एंजियोस्पर्म। चलिए ये तो हो गया ओवरव्यू, और अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एल्गी से। चलिए देख पा रहे माइडियर स्टूडेंट, ये एक पॉन्ड है और पॉन्ड्स की जो पूरी की पूरी लेयर है ये देखिए ग्रीन कलर से पूरी तरीके से ये कवर है। ये ग्रीन है क्या क्या, ये क्या है, पूरी ग्रीन लेयर आप देख रहे हैं पॉन्ड्स में माइडियर स्टूडेंट, ये एल्गी का ही फॉर्म है। इस एल्गी के फॉर्म ने इस पूरे पॉन्ड को ग्रीन कलर बिल्कुल दे दिया है। तो कौन सी एल्गी होगी, ये क्लोरोफाइसी होगी। आपने देखा होगा अपने अगल बगल अगर पॉन्ड्स होंगे तो आप देखिए पूरा का पूरा पॉन्ड पूरा ग्रीन हो गया है। तो ये किसकी वजह से है, ये सब का सब एल्गी की वजह से है। चलिए थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टार्ट करते हैं एल्गी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए कितने खूबसूरत अलग अलग कलर है आप देख रहे हैं, फियोफाइसी है या रोडोफाइसी है, ये सेक्स ऑर्गन दिखाया जा रहा है यहाँ पे एल्गी का, यस एल्गी के कुछ फॉर्म है। तो इन ब्यूटीफुल जो फॉर्म्स है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ एल्गी, जिस ब्रांच में हम एल्गी की स्टडी करते हैं उस साइंस को बोलते हैं फाइकोलॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। जनरल सब पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। यस, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, यस वो है फ्रिटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, यस ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है। ये तो वर्ल्ड की बात हो रही है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, मतलब इंडिया जो फाइकोलॉजी है उसके फादर कौन है, तो वो है एम ओ पी लिग्नर। यस माइनस नीट, तो ये नाम आपको याद रखना है, कौन है ये, एम ओ पी लिग्नर। ये तीन पॉइंट है जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है माइडियर स्टूडेंट, और तीनों हम लोग ने यहाँ पर फैक्ट देख लिए। फाइकोलॉजी क्या है, यस
फादर ऑफ फाइकोलॉजी ब्रिटिश हैं और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी हैं, एमओपी लिंगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम लोग एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला, आपको एल्गी आपको कैसी होगी, इसका नेचर एक्वेटिक देखने को मिलेगा, हैबिटेट हमेशा वाटर वाला होगा, अर्थात ये या तो आपको फ्रेश वाटर एल्गी होंगी या तो मैरीन वाटर होंगी, मतलब फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगी और मैरीन वाटर में भी देखने को मिलेंगी। अभी दिखाया था ना पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स क्या होता है, फ्रेश वाटर ही होता है ना, तो वहां पर भी देखने को मिलेंगी और मैरीन में भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, एल्गी आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स लाइक फिलामेंटस, कॉलोनियल, बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। फिलामेंटस का मतलब क्या है, देखिए ये इस तरीके से ये फिलामेंटस फॉर्म है इसका। कॉलोनियल फॉर्म, अभी जैसे आप वॉल बॉक्स में देखेंगे कॉलोनियल फॉर्म में देखने को आपको मिलेगी इस तरीके से, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो कई फॉर्म्स में एल्गी देखने को मिलती है, यूनिसेलुलर भी होती है आपको पता है, क्लेमाइडोमोनस, इसके बारे में भी बात करेंगे। एल्गी का जब आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे माइक्रोस्टेट, तो एल्गी जो होती है सराउंडेड होती है एक म्यूसिलेजिनस सीड से। म्यूसिलेजिनस सीड का काम क्या होता है, इसको वाटर से ये प्रोटेक्ट करती है। आपको पता है अगर आपका हाथ काफी देर तक पानी में रहे तो क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसकी स्किन में क्या आ जाती है, स्वेल कर जाती है, आपने कभी महसूस किया होगा। तो अगर एल्गी में ऐसा ना हो तो एल्गी को बचाने के लिए एल्गी की बॉडी के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस की सीट होती है और इसी सीट के नीचे होता है सेल वॉल। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये एक एल्गी की सेल है, तो इस सेल के ऊपर म्यूसिलेज की एक लेयर होगी जिसकी वजह से ये सेल वाटर से प्रॉपर बची रहेगी, और इस म्यूसिलेज सीट के नीचे ये जो नीचे की लेयर है ये है कौन सी, ये है सेल वॉल। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो एल्गी आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस सीट एंड बिलो द सीट सेल वॉल इज प्रेजेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। मैं बच्चों को कैसे याद कर रहा था, मैं बोलता हूं सी फॉर चंद्र और पी फॉर प्रकाश, तो चंद्र प्रकाश यहां पर रहते हैं इनके सेल वॉल में, तो सी फॉर हो जाएगा सेलुलोज और पी फॉर हो जाएगा पेक्टिन। तो याद रखिएगा, बहुत इजी है याद करना इसको, कि इसकी सेलुलोज किसकी बनी होती है, इसमें आपको सेलुलोज मिलेगा और पेक्टिन मिलेगा। लेकिन 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 अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः ये जो बनी हुई है मेड अप ऑफ, वो बनी हुई है सेलुलोज की, गैलेक्टिन्स की, मैनन्स की, मिनरल्स भी है कुछ जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आता है कि एल्गी के सेल वॉल में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मुख्यतः तो सेलुलोज मिलेगा, इसके अलावा सेलुलोज के साथ मुख्यतः गैलेक्टिन्स, मैनन्स, मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सेल वॉल के ऊपर एक जरूरी लेयर होगी, कौन सी होगी, म्यूसिलेजिनस सीट होगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एल्गी कैसी है, थैलाइड। थैलाइड्स का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर ना तो जहां रूट क्लियर है, ना तो वहां लीफ क्लियर है, और ना ही वहां पर स्टेम है, ना तो रूट है, ना तो लीफ है, ना तो स्टेम है। इसीलिए हम एल्गी को क्या बोलते हैं, थैलाइड बोलते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। यस, एंड अर्थात क्या है कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है। हायर एल्गी में, हायर एल्गी में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टिश्यू सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट इन एल्गी। आपको किसी भी तरीके का कोई भी टिश्यू सिस्टम देखने को यहां पर नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कुछ एल्गी के बारे में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को समझते हैं माइडस से। नेक्स्ट पॉइंट, एल्गी के कुछ और पॉइंट जो रह गए हैं उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एल्गी कैसी है, फोटोऑटोट्रॉफिक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो अपना भोजन बना सकती है, फूड सिंथेसाइज कर सकती है। इस प्रोसेस के लिए इसमें क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड ही तो है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लास्टिड्स तो है, जिसमें फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। यस, अगर हम बात करें कुछ यूनिवर्सली पिगमेंट्स होते हैं, और आपको पता है ये जो हमने तीन डिवीजन देखा था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इनका जो डिवीजन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स किया गया है। तो कौन सा पिगमेंट वहां पर प्रेजेंस है, उस पिगमेंट्स की वजह से उनका कलर आता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का, वो मेनली बेस्ड होता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स।
अगर ग्रीन पिगमेंट्स है तो क्लोरोफाइसी, अगर जिस पिगमेंट की वजह से कलर उनका ब्राउन हो रहा है तो फियोफाइसी, और अगर कलर उनका रेड हो रहा है तो रोडोफाइसी। तो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं, तो उनका ग्रुप भी जो हमने डिवाइड किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर पिगमेंट है। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो एल्गी के सारे मेंबर्स में मिलेंगे, मतलब यूनिवर्सल है। जैसे कौन सा है? वह पहला है क्लोरोफिल ए, सेकेंड है क्लोरोफिल बी, थर्ड है कैरोटीन। ये तीनों के तीनों आपके यूनिवर्सल पिगमेंट है माय डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सल का मतलब है एल्गी के सारे मेंबर्स में भी मिलने वाले पिगमेंट्स है, मतलब इन पिगमेंट्स है ये तो मिलना ही मिलना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होंगे उसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग अलग अलग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हम लोग ने देखे। यस, अब हम बात करेंगे कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। देखो यहां पर हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, अभी किसी पर्टिकुलर क्लास की डीप स्टडी हम नहीं करने जा रहे हैं, अभी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। तो अगर हम एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा आपको। यस, वेजिटेटिव मुख्यता कैसा होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? सपोज दैट ये एक एल्गी है, इसका एक पार्ट टूट के अलग हो जाता है और इससे एक नई एल्गी डेवलप हो जाती है, तो ये क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंट्स टूट के अलग हुआ और एक नए ऑर्गेनिज्म एक नई एल्गी में डेवलप हो गया, इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो एक तो जो रिप्रोडक्शन एल्गी में है, एक तो आपका वेजिटेटिव मिलेगा, सेकेंड आप देखें सेकेंड रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में आप देखिए मुख्यतः एक तो जूस पोर है, आप जानते हैं जूस पोर्स कैसे होते हैं? यस, देखिए फ्लैजला इसके, है ना, ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। यस, और कब ये बनेंगे? जब कंडीशन कैसी होगी? फेवरेबल कंडीशन पे। दूसरे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एप्लैनोस्पोर से होता है, और एप्लैनोस्पोर तब बनते हैं माइटोसेंट जब कंडीशन अनफेवरेबल हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नीट से बन सकता है कि फेवरेबल कंडीशन में कौन बनेंगे? फेवरेबल कंडीशन में जूस्पोर बनेंगे, और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो क्या बनेंगे? एप्लैनोस्पोर बनेंगे। क्लियर है? और एप्लैनोस्पोर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। और थर्ड स्ट्रक्चर बनता है एकाइनेट्स का, ये भी माइनस स्टेट अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। तो फेवरेबल में बनने वाले कौन है? जूस्पोर, बाकी एप्लैनोस्पोर और एकाइनेट्स कब बनेंगे? जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी। क्लियर है उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये हुआ हमारा कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरे टाइप का जो रिप्रोडक्शन है माइडस स्टेट वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरा टाइप्स देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन से हैं। चलिए अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है यस, पहला टाइप होता है आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है कि दोनों के दोनों गैमीट्स का मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली बिल्कुल एक जैसे हैं, ये हो गया आइसोगैमस। एन आइसोगैमस में क्या होगा? एन आइसोगैमस में क्या होगा? एक छोटा होगा लेकिन दूसरा क्या होगा? बड़ा होगा। ये हो गया हमारा एन आइसोगैमस। लेकिन एन आइसोगैमस में सब क्या है? दोनों मोटाइल होने चाहिए। यस, थर्ड आता है हमारा माइडोस्टेट ओगैमस। ओगैमस में क्या होगा? एक गैमीट बड़ा होगा जो कि नॉन मोटाइल होगा, और एक गैमीट कैसा होगा? जो कि मोटाइल होगा। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं माइडोस्टेट, आपके एनसीईआरटी में वहां पर क्या दिखाया गया है? वहां पर ये एग दिखाया गया है और वहां पर ये स्पर्म दिखाया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि जो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है, उसका जो टाइप है वो ओगैमस कतई ही नहीं है। ओगैमस नहीं है बेटा, यहां पर जो ह्यूमन में जो टाइप्स है वो एनाइसोगैमस है। अब आप कहेंगे सर अगर एनाइसोगैमस है तो जो ह्यूमन में एग है उसको तो मोटाइल होना चाहिए ना, सॉरी उसको तो नॉन मोटाइल होना चाहिए ना, और स्पर्म को मोटाइल होना चाहिए। तो चलो स्पर्म तो मोटाइल है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो ओगैमस है, जो एग है वो तो यहां पर आप बताते हो नॉन मोटाइल है, लेकिन नॉन मोटाइल कहां पर है? आप देखो जब फिम्बरी जब ओवुलेशन होता है तो ओव्यूल फिम्बरी को अपने अंदर कर ले, फिम्बरी से उसको कैच करती है और अपने अंदर ले लेती है। तो अंदर क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। तो सीलिया के मूवमेंट से वो फैलोपियन ट्यूब में अंदर मूवमेंट तो होता है, भले ही वो मूवमेंट दूसरे की वजह से हो रहा हो, सेल्फ मूवमेंट ना हो, लेकिन मूवमेंट जो है, जैसे अगर हम देखें स्पर्म के बारे में तो स्पर्म में क्या है? स्पर्म में सेल्फ मूवमेंट है, यस, उसकी टेल की वजह से। तो चूंकि यहां पर दोनों गैमेट
मूव कर रहे हैं, इसलिए जो ह्यूमन वाला जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस, वो एनाइसोगैमस होता है, कभी भी वो ओगैमस नहीं है। जनरली बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो ओगैमस है वो या एनाइसोगैमस। तो याद रखिएगा माइटोसिस ये एनाइसोगैमस है, क्योंकि ओगैमस में क्या होगा, ओगैमस में जहां पर जो एग होगा वो अपनी जगह बना ही रहेगा, वो कहीं पर भी ना तो सेल्फ मोटाइल करेगा ना किसी की वजह से मोटाइल करेगा। और यहां पर जो मेल गैमेट होगा वो मूवमेंट्स करके बाय एयर से, बाय वाटर से या किसी माध्यम से इस तक पहुंचेगा, लेकिन ये इस तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन एनाइसोगैमस में आप देखिए ह्यूमन में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में जो एग है वो मूव करके एम्पुलर रीजन में पहुंचती है, और जो स्पर्म है वो विजाइनो को क्रॉस करते हुए, स्टमस को क्रॉस करते हुए एम्पुलम में पहुंचते हैं। तो दोनों यहां पर मोटाइल है, और एनाइसोगैमस का तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस वो एनाइसोगैमस है। बहुत ज्यादा मैं यहां बात नहीं करनी है क्योंकि बात हम लोग एल्गी की कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उसको मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। तो देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का है, पहला है आइसोगैमस एल्गी में, सेकेंड है एनाइसोगैमस, और थर्ड है ओगैमस टाइप का। मतलब तीनों तरीके का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को एल्गी में ही मिल जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं माइटोसिस। यस, आप देखिए आपको पता है एल्गी की जो मेन जो प्लांट बॉडी वो कैसी है, गैमेटोफाइट है, अर्थात कैसी है, एन है। अब एन है तो आपको पता है जब इसका जायगोट बनेगा तो उसमें मियोसिस होगी, माइटोटिक तो होगी नहीं, तो मियोसिस जो जायगोटिक मियोसिस यहां पर देखने को मिलता है। चलिए थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यहां पर जो मेल सेक्स ऑर्गेन है माइटोसिस, जो मेल सेक्स ऑर्गेन है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। देखो एंथ्रीडियम कहां पर है, देखो ये एंथ्रीडियम है, इसी एंथ्रीडियम के अंदर तो एंथ्रोजोइट्स बनेंगे जो मेल स्पर्म होंगे, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन है माइटोसिस वो है ओगोनियम। तो देखिए ओगोनियम जस्ट इसके ऊपर है। अब आप जरा पोजीशन देखिए कि यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गेन ऊपर है और मेल सेक्स ऑर्गेन इसके जस्ट नीचे है, तो पोजीशंस कैसी है इसके, जस्ट इंफीरियर है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सेकेंड पॉइंट, द सेक्स ऑर्गेन ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। आपको ये जो सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, यूनिसेलुलर होंगे एल्गी में, और इनके ऊपर कोई भी जैकेटेड लेयर नहीं होंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। अगर हम बात करें कारा की, यस, तो कारा में, कारा क्या है, ग्रीन एल्गी है, यस, और ग्रीन एल्गी का मतलब क्या है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। इसमें आपको स्टोन वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड आपको सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, तो ये एक्सेप्शन है, और आपको पता है एक्सेप्शन से जरूर क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो यहां से नीट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी एल्गी है जिसपे सेक्स ऑर्गेन आपको जैकेटेड और आपको कैसे मिल रहे हैं, मल्टी सेलुलर मिल रहे हैं, जबकि जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं एंड जैकेट लेस होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट इस सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गेन है कारा का उसे हम ग्लोब्यूल बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब यहां पर सेक्स ऑर्गेन जो ग्लोब्यूल है वो यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर है, और कैसा है, जैकेटेड है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गेन को हम क्या बोल रहे हैं, निशूल बोल रहे हैं। जनरली एल्गी में ग्लोब्यूल जो मल्टीसेलुलर है, लेकिन जो सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम बोलते हैं। लेकिन 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 कारा के केस में वो मेल सेक्स ऑर्गन को बोल रहे हैं ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोल रहे हैं न्यूशूल। तो इस तरीके से माइटोसिस, ये कुछ पॉइंट थे एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उससे जो ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन हैं, इनको लेके। चलिए थोड़े से और पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो प्लांट बॉडी आपको कैसी मिलेगी, यहां पर हैप्लॉइड मिलेगी। अगर आप देखें तो यहां पर जो गैमेटोफाइट मुख्यतः ये प्लांट बॉडी है इसकी, यस गैमेटोफाइट है। चल तो प्लांट बॉडी कैसी है एल्गी में, आपको वो गैमेटोफाइट मिलेगी, यस। इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू होगा। जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट्स में क्या होंगे, मियोसिस होंगे, और जब मियोसिस होगा तो तभी तो उसी से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी,
क्लियर है मेरी बात। तो जायगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगा, इसके लाइफ साइकिल कैसी होती है इसकी, हैप्लॉन्टिक होती है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह पर है। अगर आप ब्राउन एल्गी में जाएंगे माइडोस्टेन, तो यहां पर इनकी एल्गी की प्लांट बॉडी आपको डिप्लॉइड मिलेगी, और इसकी जो है लाइफ साइकिल वो डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और जनरली कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहां मिलेगी, वो मिलेगी ब्राउन एल्गी में। तो नोट करने वाली पॉइंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय जाइगोटिक मियोसिस, अर्थात फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट इज मियोसिस, सो एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही नहीं होता, सीधे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जैसी मियोसिस होगी तो वहां पर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनने स्टार्ट। क्लियर है मेरी बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। थ्री टाइप्स के अभी पोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने भी आपको बताया है, आइसो एन आइसो और ओगैमस, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए फाइनली थोड़े से और पॉइंट्स को समझते हैं माइटोसिस। यस, अब यहां पर देखते हैं जो ये तीन टाइप्स हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस, यहां पर जो नीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं माइडोसेंट, वहां पर आपको यह पूछ लेता है कि एनाइसोगैमस कौन कौन सी एल्गी में देखने को मिलेंगे, ओगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी एल्गी में देखने को मिलेगा, आइसोगैमस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो कौन सी एल्गी में देखने को मिलेगा। तो माइडोसेंट माय डियर स्टूडेंट, इन मेंबर्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलो आइसोगैमस कहां कहां देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम, इसकी स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास की। सेकेंड आइसोगैमस आपको देखने को मिलेगा यूरोथ्रिक्स के केस में, यस यूरोथ्रिक्स आप जानते हैं फिलामेंटस एल्गी है। एक्टोकार्पस के केस में आइसोगैमस देखने को मिलेगा, और स्पाइरोगाइरा के केस में देखने को मिलेगा, यस और मिलेगा आपको क्लेडोफोरा के केस में। तो क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, स्पाइरोगाइरा और क्लेडोफोरा, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसका याद करने का तरीका है यूज सी, आप लिख लीजिएगा इसको USEC। तो देखो C फॉर हो गया क्लेडोफोरा, U फॉर हो गया यूरोथ्रिक्स, S फॉर हो गया स्पाइरोगाइरा, और E फॉर हो गया हमारा एक्टोकार्पस, और क्लेमाइडोमोनास तो कॉमन हो गया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि एल्गी में जो आइसोगैमस है उसको याद कर लीजिए यूज C से। तो यू सी में U फॉर यूरोथ्रिक्स, S फॉर स्पाइरोगाइरा, E फॉर एक्टोकार्पस, और सी फॉर क्लेमाइडोमोनास। चलिए अब हम देखते हैं जरा नेक्स्ट टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनाइसोगैमस, वो कहां देखने को मिलेगा, एनाइसोगैमस मिलेगा क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में, यस ये स्पीसीज याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है ओगैमस टाइप का मिलता है आपको क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा, जो इसकी स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास की। सेकेंड सार्गासम क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा, सेकेंड सार्गासम, थर्ड वालवॉक्स, फोर्थ फ्यूकस एंड कारा। इसको याद करने का तरीका है सी एस एफ वालवॉक्स, सी एस एफ से याद रखिएगा सेरेब्रो स्पाइनल फ्रूट। तो सी फार आ जाएगा कोकीफेरा, एस फार आ जाएगा सार्गासम, वी फार आ जाएगा वालवॉक्स, और ये हो गया हमारा फ्यूकस एंड चारा। तो एफ फार फ्यूकस वालवॉक्स सार्गासम क्लेमाइडोमोनास, तो ये वो स्पीसीज हैं जहां पर आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है ओगैमस। इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया, इसका मैंने बताया आपको, एक मिनट जरा इसको क्लियर कर लिया जाए, यस इसका तरीका मैंने बताया सी एस एफ वालवॉक्स। तो इस सी का मतलब क्या हो गया, इस सी का मतलब हो गया हमारा क्लेमाइडोमोनास, एस फॉर हो गया हमारा सार्गासम, एफ फॉर हो गया फ्यूकस, और ये वालवॉक्स तो हमने यहां पर लिख दिया। तो इस तरीके से माइडोसेंट आपको इनकी स्पीसीज जरूर याद रखनी है कि कहां कहां पर किस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो यस इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रॉपर। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस ये प्रॉपर किस तरीके से पूरी इसकी लाइफ साइकिल होती है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे माइडोसेंट। चलिए आप देखिए यहां पर कार्य के सेक्स ऑर्गन्स दिखाए जा रहे हैं जिसकी बात हम लोगों ने की थी माइटोसिस। देखो ये है निशूल, देख रहे हैं आप, यस और ये है ग्लोब्यूल, ठीक है। तो ये देखो दोनों सेक्स ऑर्गन है जिसकी बात अभी हम लोगों ने इसके पहले स्लाइड में करी थी।
इस तरीके से माइक्रोस्टेन, ये सेशन जो एलगी का था जिसमें हम लोग जनरल ने बात जनरल बात करी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए फिर उसकी बात भी कर लेते हैं यस, और कुछ हम देख लेते हैं कि किन टाइप्स ऑफ एलगी के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो एक फैक्ट क्या कहता है कि क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट करता है कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब आप देखिए इसमें आइसोगैमस भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, एन आइसोगैमस भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है और ओगैमस भी मिल रहा है, तो तीनों तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, कुछ प्रिमिटिव है कुछ उससे एडवांस है और कुछ उससे ज्यादा एडवांस है। तो एक्चुअली जो कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मुख्यतः आपको देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास के केस में। नेक्स्ट पॉइंट, जिन तीन एल्गी की हमें स्टडी करनी है नेक्स्ट सेशन में वो है क्लोरोफाइसी, सेकेंड है हमारी फियोफाइसी एंड थर्ड है हमारी रोडोफाइसी। आप रोडोफाइसी जानते हैं रेड एल्गी है, फियोफाइसी हमारी ब्राउन एल्गी है और क्लोरोफाइसी हमारी ग्रीन एल्गी है। तो इन तीन एल्गी के बारे में माइक्रोस्टेन नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। तो कैसा रहा ये सेशन ये जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। यस, तो चलिए माइक्रोस्टेन सेशन को यहां पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन, आई एम वेरी प्राउड टू बी इन इट, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय।